गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल शाम वडोदरा में आगमन करते हुए वडोदरा के सुप्रसिद्ध विविध वैसे गणेश पंडाल में आगमन कर श्री जी के दर्शन कर धन्यता प्राप्त की थी, जहां गणेश पंडाल से लेकर मुख्यमंत्री के तमाम रूट पर पुख्ता पौलादी बंदोबस्त लादते हुए शाम के वक्त ही शहरी लोग तथा ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने के साथ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था। वडोदरा शहर में कल शाम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आगमन करते हुए विविध गणेश पंडालों की मुलाकात लेने के साथ श्री जी के दर्शन किए थे। राज्य के नागरिकों के कल्याण तथा सुखाकारी की मंगल कामना की गई। गणेश उत्सव को लेकर लोगों में छा रहे वैसे उत्साहपूर्ण माहौल में वडोदरा शहर के ये गणेश पर्व में सहभागी बनते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल शाम वडोदरा में आगमन किया था। यहाँ पर विविध पंडालों की मुलाकात लेते हुए श्री जी के दर्शन कर धन्यता प्राप्त की गई, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हरणी विस्तार में मीरा चार पर विराजमान वैसे बप्पा के दर्शन किए थे, जहां धन्यता प्राप्त करने के बाद भूपेंद्र पटेल ने शहर के डांडिया बाजार के सुप्रसिद्ध श्रीमंत सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए गए वैसे आशीर्वाद गणेश जी के दर्शन कर धन्यता प्राप्त की गई। जाहिर सी बात है कि 1880 से यहां पर गणपति की स्थापना की जाती है। यहां पर भागवत कथाकार पूज्य डोंगरे जी महाराज द्वारा यहां पर श्री जी की स्थापना की शुरुआत की गई थी, जहां मुख्यमंत्री ने ये सुप्रसिद्ध वैसे आशीर्वाद गणेश जी के दर्शन करने के साथ बाद पोलो ग्राउंड, बग्गी खाना, परागरज गरबा ग्राउंड, तंबोली, वारसिया रिंग रोड, मांजलपुर, इलोरा पार्क, सुभानपुरा विस्तार में गणेश पंडालों में जाकर श्री जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर वडोदरा शहर के विविध विस्तारों में पुख्ता पौलादी बंदोबस्त लादा गया था। मुख्यमंत्री के एक गणेश पंडाल से लेकर दूसरे गणेश पंडाल जाने के रूट पर पुख्ता पौलादी बंदोबस्त लादते हुए तथा ट्रैफिक को रोकने के साथ शाम के वक्त ही यहां पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली थी। जाहिर सी बात है कि अब गणेश पर्व अपने अंतिम चरणों पर पहुंच चुका है, ऐसे में शाम के बाद लोगों की भीड़ भी श्री जी दर्शन के लिए उमड़ रही है, जहां मुख्यमंत्री के आगमन के वक्त ही रोड रास्ते बंद कर देने से लोगों में कहीं ना कहीं छुपा आक्रोश देखने को मिला था।